खबर है हमीरपुर से। ये शहर नहीं है यहाँ शौचालय की व्यवस्था, यात्री खुले में कर देते हैं बाथरूम और महिलाएं भी यहाँ पर खुले में बाथरूम करने को मजबूर हैं। प्रदेश का मुख्य केंद्र भोटा बाजार जो चंडीगढ़ कुल्लू मंडी शिमला चंबा का संगम केंद्र है, यहाँ पर प्रदेश की सभी जगहों के यात्री भोटा बस स्टैंड से गुजर कर अपने भारत मिशन धरातल पर जीरो के बराबर हैं और चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली हुई है और गर्मियों का मौसम भी शुरू हो गया। यहाँ जो टूटा फूटा शौचालय था वो पिछले 8 महीनों से गंदगी से भरा पड़ा है और यात्रियों को यहाँ पर खुले में शौच को जाना पड़ता है, जिसे इस मौसम में कई बीमारियों को दस्तक भी दे रहा है। ऐसे तो जिला प्रशासन हमीरपुर को स्वच्छ जिला कहता है, पर प्रदेश का केंद्र भोटा बस स्टैंड की तरफ से अभी किसी की नजर नहीं पहुंची और वो इसमें आने वाले लोग खुले में बाथरूम करते हैं, खुले में शौच करने को मजबूर हैं और पुराने बाथरूम में सब कुछ टूटा पड़ा है। नए बाथरूम को काम में लगे हुए कई दिन हो गए पर पूरा नहीं हो पाया, तो इससे यह साबित होता है कि जिला प्रशासन का स्वच्छ भारत मिशन सिर्फ कागजों तक ही सीमित है और देखने में कुछ और नजर आता है। पर यहाँ आ रहे यात्रियों का कहना है कि पिछले कई महीनों से हम खुले में बाथरूम कर रहे हैं, साथ में बाजार है जिससे यहाँ पर गंदगी पर बैठकर मक्खियाँ शाद के बाजार में बने खाने के होटल पर भी बैठ जाती हैं, जिससे कई लोग तो इससे बीमार पड़ जाते हैं और साथ ही यहाँ पर महिलाएं भी खुले में बाथरूम करने को मजबूर हैं। यहाँ पर गंदगी इतनी है कि चटल के लिए पैर रखना भी दुर्लभ है। हमीरपुर से चैनल इंडिया लाइव के लिए कमल कृष्ण की स्पेशल रिपोर्ट। भी बहुत बुरा ये बंदे बाथरूम जाए ना बाहर।